दादू आपके लिए चॉकलेट है मेरे तरफ से। हेलो, थैंक यू। चॉकलेट तो लो, पकड़ो तो सही। 20 रुपया दे रहे, ठीक है? 20 रुपया दे रहे, इससे 10 रुपया ले लेना, ठीक है? ले लेगा ना, देगा ना पक्का? तुम रखो, ठीक है? इसको 10 रुपया दे देना। ए मत मार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं रंगकिनी मंदिर। तो मनोज दा भी है साथ में, तो जाएंगे थोड़ा पूजा वूजा करवा लेंगे। अब बहुत दिनों से हम लोग सोचे थे कि पूजा करवाने जाएंगे, बट हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो आज हम लोग फ्री है, तो आज हम लोग डिसाइड किए कि आज हम लोग जाएंगे पूजा वूजा करवाने के लिए। तो चलिए वीडियो में दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग रंगकिनी मंदिर की ओर। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग इस चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं संग्राम, और यहाँ भाई जो भाई की मेरी दुकान है, यहाँ से कुछ पैसा विथड्रो करते हैं। हेलो ब्रो, कैसे? फाइनली हम लोग कुछ पैसा यहाँ से विथड्रो कर लिए हैं, और अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं रंगकिनी मंदिर की ओर। तो चलिए अभी, क्योंकि अभी बहुत लेट भी हो चुका है, 9-8 बज रहा है अभी गाइस। और अभी कुछ फास्टिंग भी हम लोग किए हैं, कुछ खाए भी नहीं है। तो चलते हैं भाई, ठीक है? आते हैं, ठीक है, आएंगे फिर से। तो ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग अभी निकलते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत लेट भी हो चुका है। फिलहाल अभी हम लोग कोटका में आके रुके हैं, और यहाँ से कुछ गुंटी में कुछ लेंगे हम, चॉकलेट वगैरह सब लेंगे। तो फिलहाल अभी मेरे दोस्त से मिले, तो देंगे चॉकलेट। रखो रखो, दे रहे ना, किस किस में वो मत पूछो, ठीक है? अभी ये सब 10 लिए थे, अभी 9 एक दोस्त को दे दिए, अभी नोट बच्चा है तो नोट देंगे जो मिलेगा। अभी बाल सब कहाँ दिया? ले, कहाँ जा रहा है? फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं। हाय ब्रो, आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमने फ्यूल भर रहे, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल कम है, ठीक है ना? तुमको भी दिया, ठीक है? इसको ये बाकी था, इसको भी। अभी हम दामाकी पुल पहुंचे हैं। तो ये है दामाकी का गांव, और पीछे देखिए वो पुल था, तो इसको डुंगुतल के नाम से जाना जाता है। और ये है कालकापुर। जय माँ काली। फिलहाल अभी हम लोग बाल्ली जोड़ी क्रॉस कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग धामधूम पहुंचे हैं, तो धामधूम में उतर रहे हैं। तो अभी मिले हैं उनके दादूजी से। दादूजी, ठीक है ना? मार्केट ले जा रहे बेचने के लिए सब हंडी। कुत्ते थे गो कलकापुर से, कलकापुर से ले जा रहे हैं जादूगढ़ तक। ये मिट्टी का हंडी है, जो कि हम लोग का दियात्र हैं पैदल। हाँ तो ठीक है दादू, आपके लिए चॉकलेट है मेरे तरफ से, रखिए, ठीक है? बाय। फिलहाल अभी हम लोग रंगकिनी मंदिर पहुंच ही चुके हैं, और थोड़ा सा दूर है मंदिर वहां से, यहां से दिख रहा है, पैदल हम लोग चल जाएंगे, उतना भी दूर नहीं है। आज हम लोग सोच रहे हैं कि उस चढ़ाई पे आज हम लोग जाएंगे, और मेरे साथ भी जाएगा मनोज दा, क्योंकि हम तो एक ही बार गए हैं लाइफ में, और आज अगर गए तो दूसरा बार होगा। अब मनोज दा तो बोल रहे हम गए ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम जाएगा अगर गए तो। ठीक है, अभी मंदिर की तरफ जाते हैं, पूजा वूजा करवाते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है, और फर्स्ट ब्लॉग पे मैंने बहुत दिन से सोचा था, बहुत दिन से कोशिश भी कर रहे थे कि ब्लॉग कब लाएं। ब्लॉगिंग करने के लिए एक अच्छा फ़ोन होना ज़रूरी है, और अभी तो मेरे पास आ गया आईफोन 12 128 GB, और उससे पहले हम यूज़ कर रहे थे रेडमी नोट 7 ये। तो इसीलिए हम सोचे थे कि जब फ़ोन होगा अच्छा फ़ोन, तभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा। तो फिलहाल मेरे पास अभी आ चुका है आईफोन 12, और हम अभी इसी से ब्लॉग कर रहे हैं। तो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों के साथ भी करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, क्योंकि मनोज दा कुछ दिन के लिए है, बट वो कुछ दिन बाद चल जाएगा, उसके बाद आप लोगों के साथ ही करना होगा। तो मैं सबके साथ ब्लॉग करूंगा, ऐसे नहीं कि हम अकेले करेंगे, ठीक है? तो गाइज, आप लोगों को अगर फ़ोटोशूट करवाना है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते, मेरा नंबर ऊपर
ऊपर मैं लिख दूंगा ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा, वहाँ लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैमरा आके ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ही तो बना हूँ चैनल, ये लोकल फैंस किस लिए है, आप लोगों के लिए ही है। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, पीछे है रंकिनी मंदिर, और अभी हम लोग को पूजा वूजा करवाना होगा, तो चलिए अभी हम लोग पूजा वूजा करवाने के जूता तो खोल लेते हैं। नल पे पैर धो रहे हैं, तब जाएंगे थाली उली लगाएंगे पूजा का। दो जगह दीजिएगा ठीक है। तो जाएंगे सीधे मंदिर, अंदर पूजा करवाने के लिए। तो फाइनली हम लोग पूजा वूजा हो चुका है, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे थोड़ा जादूगढ़ चौक तरफ नाश्ता वास्ता करेंगे उधर ही, अभी कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चढ़ेंगे सीधा पहाड़। ठीक है जी, मंदिर से जो नीचे तरफ जादूगढ़ चौक तरफ जाने वाला रोड में सामने एक छोटा सा पार्क है, देख सकते हैं बच्चों के लिए है, झूला वूला है, कुछ खेलने उलने के टाइप जो है बच्चे के लिए बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पे बच्चे आके खेल सकते हैं। बाबू थैंक यू। तो फिलहाल अभी हम जाते हैं जादूगढ़ चौक, क्योंकि नाश्ता वास्ता करके फिर से आएंगे मंदिर तक, और मंदिर आके फिर चढ़ेंगे पहाड़ पे सिद्धगंज चौक। तो यहाँ अभी हम लोग रुके हैं जादूगढ़ रेस्टोरेंट में, एसी रेस्टोरेंट, कैमरा वाला बैग रखते हैं, फिर नाश्ता के लिए ऑर्डर देते हैं कुछ। तो अभी मसाला डोसा का ऑर्डर किए तो आ चुका है, फोन पे कर रहे हैं। आएंगे फिर से, तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से, मस्त बैठे थे आराम से एसी पे, जो बगल में उसका रेस्टोरेंट है तंदूरी नाइट्स, लेंगे सामान वगैरह, बिस्कुट हो जाएगा ना। तो फाइनली अभी हम लोग नाश्ता वास्ता करके आ चुके हैं मंदिर में, तो मंदिर से अभी हम लोग जाएंगे पहाड़ के ऊपर, बोतल पानी ले लिए हैं, और बाइक हम लोगों ने साइड में पार्क कर दिए हैं, अभी जा रहे सीधे पहाड़ के ऊपर। तो अभी हम लोग मंदिर से नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाके अभी हम लोग जाएंगे रंगकिनी मंदिर पहाड़ के ऊपर, और आज काफ़ी धूप भी है, और फिर भी हम लोग मानेंगे नहीं, पानी के बोतल ले लिए हैं, और अभी हम दो जन आए थे, और दो जन आके चार जन हो चुके हैं हम लोग, तो चार जन हम लोग साथ में मिलकर जा रहे हैं।
से अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो हम लोग आधा दूर में आके थक गए हैं, थोड़ा पानी वानी पियेंगे। बहुत गर्मी है, ऊपर से उतना चढ़ाई भी है, चढ़ना हम लोग को। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग को प्लेस मिला है खड़ा होने के लिए, और फिर यहाँ से बोल रहा कि ऊपर तरफ और जाना होगा, रुकिए थोड़ा सा फिर ऊपर जाना होगा हम लोग को। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ऐसे पड़ा वाला चट्टान है, बचपन में हम एक बार आए थे, याद है वाला चट्टान, और यहाँ से सामने ही ज़्यादा दूर नहीं है। फाइनली हम अभी पूरा पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, और मनोजदा उधर बैठा हुआ है, दो जन पूरा थक चुका है। और यहाँ का जो व्यू, एक नंबर व्यू है गाइस, इतना मज़ा आ रहा देखने के लिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। और सामने एक बजरंगबली का मंदिर है, सॉरी बजरंगबली की मूर्ति है, वाला बॉर्डर दिख रहा है, मेन रोड है, बोर्ड है, बजरंगबली कुछ शक्ति दे बाबा, शक्ति दे, इतना मस्त नज़ारा है। यहाँ का जो व्यू एक नंबर व्यू, हमको तो हर हवा भी चल रहा है, बहुत मस्त लग रहा है गाइज, एक नंबर। तो गाइज हम लोग ऊपर का व्यू देख लिए हैं, और सबको अभी नीचे जाएंगे क्योंकि थोड़ा लेट भी ज़्यादा हो चुका है।